सारा आर्ट एंड डिज़ाइन। आज मैं आपको काइट स्टाइल कुर्ती की ड्राफ्टिंग बताने जा रही हूँ। पहले मैं पेपर पे इसकी इलस्ट्रेशन आपको दे दूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कपड़े पे काट के दिखाऊंगी। मैंने इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है, तो मैंने ये पेपर लिया है। इसको हम पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। नॉर्मली जो आपका जो भी कपड़ा होगा आप उसको डबल फोल्ड कर लोगे। डबल फोल्ड करने के बाद डबल फोल्ड कर लीजिए, और डबल फोल्ड करने के बाद इसको ट्राइंगुलर शेप में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जब आपका ट्राइंगुलर शेप बन जाएगा तब आप इसको बस ट्राइंगुलर शेप में कट करने के बाद ये ऐसा आएगा। अब इसके बाद यहाँ से ये जो मेरी तीरे की लंबाई होती है वो लेंगे हम 6 इंचेस, एंड देन हमारा जो शोल्डर आता है वो आता है शोल्डर की राउंड टोटल राउंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 7 इंचेस। यहाँ पे ये पॉइंट आता है वो लेंगे, फिर 14 इंचेस पे जो हमारी वेस्ट आती है, एंड देन उसके बाद जो कमर आती है 21 इंचेस पे। इसमें ये सारे लाइंस को स्ट्रेट करने के बाद इसमें 2 चीज़ें आती हैं लेंथ में। एक तो हमारी ये जो फुल लेंथ होती है यहाँ तक जितनी भी आप लोगे, मैं यहाँ तक लूँगी 48 इंचेस इसका, और यहाँ से यहाँ तक जहाँ से ये काइट बनेगा, काइट शेप में बनेगा वहाँ तक की लेंथ, तो वहाँ तक मैं लूँगी इसकी। यहाँ से ये आएगा मेरा 30 इंचेस। वो वेरी कर सकते हैं आप कहाँ तक लेना चाहते हो, थाई तक, नीज तक, या उसके ऊपर तक। और इस पोर्शन को ये हमारा अगर 30 पे आता है, उसके बाद जितने भी हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं, जितना भी हमारा यहाँ पे मेरा आएगा 8.5, यहाँ पे है मेरा 34 इंचेस, और 34 इंचेस को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 8.5 बनता है। यहाँ पे है 33 इंचेस, तो ये आएगा 7.25। यहाँ पे है 14 इंचेस, 14 इंचेस पे कमर है 28, उसमें मैं प्लस 1 करूँगी 29, और यहाँ पे आएगा 7.25। कमर जो आती है वो 28+1 आएगी। उसके बाद जो मेरा मेजरली मुझे यहाँ से इसको लूज करना है, मेरा है 37+1, जो मैं मार्जिनली लेके चलती हूँ 38 आएगा। 38 में अब मैं 3 इंचेस और ऐड करूँगी। 38 का आ गया 4, 9.5, इसमें 3 इंचेस ऐड किए तो यह आ जाएगा 12.5। अब इसको इन शेप्स को हमें ऐसे मिला देना है, और यहाँ से आप जितना भी उसका घेर रखना चाहते हो वो डिपेंड करता है, चाहे आप यहाँ तक रख लीजिए, मैंने एंड पॉइंट तक रखा था तो ये यहाँ आएगा। और इसके बाद इस लाइन को हम इस लाइन के साथ जो हमारा डाउनवर्ड पॉइंट है उसके साथ मिला देंगे, और साथ में यहाँ पे हम अपनी मार्जिनल लाइंस रख लेंगे, और यहाँ से मार्जिन के लिए हल्की सी लाइन छोड़ देंगे ताकि ये परफेक्टली आ जाए। अब यहाँ से शोल्डर की कटिंग नॉर्मली जो रहती है वो आप करोगे, यहाँ से 1/2 इंच डाउनवर्ड्स आएगा, तो ये नेक कैसे आएगा आपका, यहाँ से 3 इंचेस की नेक विड्थ रहेगी। अब हम इसको कटिंग करेंगे।
ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई है और ये टाइट स्टाइल में ऐसे आएगी। अब ये जो हमारी यहाँ तक की लेंथ आई है ये है हमारी लो लेंथ, मतलब स्मॉलर लेंथ जो हमें रखनी है, और ये वाली जो आई है ये है हमारी फुल लेंथ। सो इट्स अ वेरी इजी गाइस, आप बड़ी आसानी से अपने घर पे बना सकते हो। सो ये मेरी कटिंग की ड्राफ्टिंग है। आइए चलो अब हम इसे कपड़े पे, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अब हम इसे, ये मेरा 2 मीटर फैब्रिक है, अब मैं इसे पहले डबल फोल्ड करूँगी। इसके किनारे से फोल्ड करने के बाद अब मुझे इसे ट्राइंगुलर शेप में एक कॉर्नर से हम दूसरे कॉर्नर को मिला देंगे और ये ट्राइंगुलर शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ट्राइंगल शेप में करने के बाद मैं इसे स्ट्रेट करूंगी। अब यहां से पहले मैं 6 इंचेस जो मेरा मेनली हमारा जो तीरा है वो इस केस में है 12 इंचेस, तो मैं यहाँ से 6 इंचेस पे निशान लगाऊंगी और थोड़ा सा मार्जिन रख के लगाना है। चाहे आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ पे आपका 6 इंचेस बैठे वहाँ पे आप इसे लगा लीजिए। और यहाँ से मुझे लेना है 7 इंचेस। यहाँ पे 7, यहाँ 10.5, अगेन मेरा जो हिप का है वो आएगा 13, आप 14 भी ले सकते हो क्योंकि आधा इंच मार्जिन में जाएगा। फिर उसके बाद हमें यहाँ लेना है 21 इंचेस। अब इन लाइंस को पहले हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब मुझे लेना है अपना शोल्डर पॉइंट जो मेरा रहेगा 7 इंचेस पे। यहाँ से 6 है और अब हम दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। और इसके बाद मैं लूंगी, यहाँ से मेरा 3 इंच नेक रहेगा, नेक विड्थ 3 इंच रहेगी, तो यहाँ से मैं 1/2 इंच को डाउन करूंगी। अब जो मेरी मेयरमेंट है मैं देखूंगी, मेरा जो यहाँ पे आता है 8.5, क्योंकि यहाँ पे है 34 का हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 बनता है। उसके बाद है 33, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8.25 बनेगा, ये यहाँ पे आएगा। और इसके बाद जो 14 इंचेस पे मेरी कमर आती है, 14 इंचेस पे आएगा 29 का आप हाफ ले लोगे तो 14.5, और उसके बाद इसका आएगा 7.25। और यहाँ पे मुझे मार्जिनली ऐड करना है जो मेरी हिप है, हिप से हम इसे थोड़ा सा लूज रखेंगे, तो मेरी हिप आती है 19 इंचेस, तो 19 का हाफ आ जाता है, मेनली 38 है तो 38 का 19 का अगर हम हाफ लेते हैं तो 9.5 आता है। और 9.5 में मैं 3 इंचेस इसको ऐड कर दूंगी तो ये हो जाएगा 12.5। यहाँ से हल्का सा लूज रखना है क्योंकि ये पोर्शन अगर हल्का सा लूज रहेगा तो सही लगता है। उसके बाद हमारी मेन आती है लेंथ की बारी।
तो मेरा जो कुर्ती की मेन लेंथ है वो मैं रख रही हूँ 47 इंचेस, 46, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग भी नीचे तक अच्छी नहीं लगती। और जो लो लेंथ है वो रखूँगी 30 पे। अब 30 वाली लेंथ को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। इसको स्ट्रेट करने के बाद आप जितना लूज रखना चाहो उतना लग सकते हो, क्योंकि ये है मेरा यहाँ पे 12, तो मैं यहाँ से इसको लूँगी, ये मैं पूरा ही रख लूँगी यहाँ पे 21 इंचेस तक, या फिर मैं 20 तक रखूँगी तो ये 20 तक। इस पोर्शन को और इस पोर्शन को स्ट्रेट कर देना है, और इससे और इस कॉर्नर को, डालेंगे हम। उसके बाद अब मेरा जो मेन हिस्सा है मैं उसे मिलाऊंगी, उसे शेप आउट करके। और यहां से हल्का सा मार्जिन के लिए भी कि ये चीज़ तो इंसेंस सिलाई के बाद यहीं पे ऐड हो जाएगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये चीज़ हमारे नीचे स्ट्रेट यहाँ तक जाएगी। अब मेरा शोल्डर स्लोप की ले लेते हैं, यहाँ से 1 इंचेस हम ऊपर लेंगे और यहाँ से इसको हम कर्व शेप दे देंगे। और इसके बाद 1 इंच में इसको इनवर्ड्स लेके हम इस लाइन को इस लाइन से मिलाएंगे। तो यहाँ से इसकी भी शेप, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। बैक साइड के मैं इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके मैं इसे कट कर रही हूँ। अब इस हिस्से को हम काट लेंगे, क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा फोल्डिंग में भी देना है। ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब मैं इसका फ्रंट वाले हिस्से की कटिंग कर दूंगी। ये मेरा कुर्ता कट के रेडी है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इसके नेक बनाएंगे अपनी शर्ट के। तो मैंने फ्रंट में बोट नेक बनाया है और बैक साइड में नॉर्मल नेक बनाया है, जो कुर्तीज़ में नेक होता है, छोटा वाला नेक बनाया है।
बोट नेक की वीडियो आप मेरी इस वीडियो में, मैं उसका लिंक दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप बोट नेक की कटिंग और स्टिचिंग उसमें देख सकते हैं। सेकेंडली हमें अब करना क्या है, नेक बनाने के बाद ये जो हमने नीचे काइट स्टाइल में कटिंग करी है, आप यहाँ पे तो अगर तो आप लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस अटैच कर सकते हैं, अगर आप पाइपिंग वाली पट्टी अटैच करना हो वो लगा सकते हैं, या आप पाइपिंग लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हैं। तो मेरे पास लेस है, मैं इस पर लेस अटैच करूँगी। सबसे पहले मैं इतने मार्जिन पे कॉर्नर से कॉर्नर तक सिलाई लगाऊंगी, इसके ये वाले एज से मैं शुरू करूँगी और यहाँ तक मैं सिलाई लगाऊंगी, और फिर उसके बाद इसके दूसरे कॉर्नर बैक साइड पे भी ऐसे करेंगे, और फिर मैं लेस अटैच करूँगी। आइए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हल्का सा यहाँ से आप फोल्ड कर लीजिए, जितना आपको इसको अंदर दबाना है, क्योंकि मैं इसे बाहर वाली साइड फोल्ड नहीं कर रही, मुझे लेस लगानी है तो मैं इसे अंदर वाली साइड ही कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। इससे ना तो मुझे इसे तुरपाई करनी पड़ेगी, ना ही इसे स्टिच करना पड़ेगा, तो मेरा ये काम आधे से ज़्यादा बच जाएगा। पहले मैं इस पर कच्ची सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लेस लगाने में आसानी होगी। तो इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करने पे ये कुछ इतना इतना यहाँ से दबेगा। पर यहाँ पे कॉर्नर पे आके बस आपको यहाँ पे कॉर्नर पे थोड़ा ध्यान देना है कि कॉर्नर पे आएगा तो उतना ही पोर्शन आपको फोल्ड करना है जितना आपने उसमें लिया है, ताकि आपका यहाँ पे कॉर्नर बन जाए। और सेम प्रोसेस मैं इस तरफ करूंगी, सेम चीज रिपीट करूंगी। अब ये मैंने इसके पूरे कॉर्नर से ऊपर तक एक साइड से दूसरी तक सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें लैस अटैच करूंगी। ये मेरी लैस है, सेम एज इट इज जैसे हम लैस अटैच करते हैं वैसे इसको ऊपर रख के इसको अटैच करेंगे। अभी हमारा कॉर्नर आ गया है तो हम लैस को कॉर्नर पे मोड़ने के लिए इसका एक कॉर्नर पकड़ के इसको जहाँ पे हमारा कॉर्नर आता है उस तरफ को इसे, जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट होनी है, तब हम इसको अंदर को ऐसे हल्का सा प्रेस करके दबाएंगे और ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। और फिर हम इसको ऐसे इस पे अटैच कर देंगे। ये ऐसे आएगा, प्रॉपर कॉर्नर से कॉर्नर अटैच हो जाएगा। अंदर की तरफ थोड़ा सा लेस को फोल्ड करना है तो ये हमारा पूरा कॉर्नर बन जाएगा। अब इसको हम पहले यहाँ से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से जब आएंगे तब हम इसको दबा देंगे यहाँ से और फिर उस तरफ को सिलाई लगाएंगे। अब सेकेंड साइड से लाने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉर्नर फोल्ड करके अंदर को देख के, अब इस कॉर्नर से हमें कॉर्नर को अटैच करना है। यहाँ पे इसको बिठा देंगे,
सेम इसकी साइड्स को दबाते हैं। अब ये हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। पूरी लैस लगने के बाद ये ऐसा तो लगेगा। अब मैंने इसकी बैक साइड के बड़े पे भी लैस अटैच कर ली है। ये इसके बैक साइड का पल्ला भी सेम इसके जैसा हो गया है और इसकी स्लीव्स भी मैंने इसी काइट शेप में कट करी है। स्लीव्स को सेम इसी शेप में, जैसे हम स्लीव्स कट करते हैं नॉर्मली, स्लीव्स कट करके उनको भी मैंने काइट शेप दे दी है। अब हम इन सबको अटैच करेंगे। आइए देखते हैं। ये मेरा जो फिटिंग वाला निशान है उस पे हम इसको लगा के इन दोनों कॉर्नर्स को अटैच करके इसको आप एक साथ पकड़ लीजिए और यहाँ से कपड़ा बराबर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं देना है। थोड़ा सा मार्जिन थोड़ा सा यहाँ से कपड़े को खींच के सिलाई लगानी, क्योंकि ये रेतदार कपड़ा है, सिलाई आपकी टूट सकती है। यहाँ पे सिलाई को डबल करके एक बार खींच के देख लीजिए कहीं ये निकल तो नहीं रहा, और यही सेम प्रोसेस दूसरी तरफ करना है। इक्वल करके इसकी शेप में सिलाई लगानी है। अब ये मेरी स्लीव है कुर्ती की, इसको भी मैं इसके साथ सेम, अभी मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब मैंने ये स्लीव छोड़ रखी है, उन पे भी मैंने ये सेम डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो अब मैं अपनी स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करूँगी। ये जो ज़्यादा वाला हिस्सा होता है हम इसे फ्रंट साइड पर अटैच करते हैं, जो कम वाला हिस्सा होता है हम इसे बैक साइड पर अटैच करते हैं। तो इसका सेंटर पोर्शन लेना है और जहाँ पे जो हमारी कुर्ती है उसका हमें सेंटर पोर्शन लेना है। और यहाँ पे पहले हमें बैक से बैक अटैच करनी है, मतलब उसका सेंटर पोर्शन से सेंटर पोर्शन में लाना है, और फिर उसके बाद ऐसे हमें स्लीव से अटैच करनी है। ये तैयार है और ये कुछ ऐसी दिखेगी, इस तरीके से ये आएगी आगे से और पीछे से। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।